उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता टीटी परीक्षा 2021 का पेपर वायरल होने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। उपाध्याय पर इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी थी। सरकार ने पेपर लीक होने के मामले की उनकी बड़ी चूक मानी है। निलंबित संजय उपाध्याय को लखनऊ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से संबद्ध किया है। हालांकि उनके स्थान पर अभी किसी की तैनाती नहीं हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा बीते रविवार को दो पालियों में आयोजित की गई थी, लेकिन इस परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिस कारण सरकार को ये परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। इससे सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। परीक्षा में 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना था। पेपर लीक होने के बाद से ही एक्शन में आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सचिव परीक्षा नियामक संजय उपाध्याय को सुचितापूर्ण, नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से यूपी टेट न कराने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। यूपी टेट मामले में शासन को अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। महत्वपूर्ण परीक्षा की व्यवस्था संभाल न पाने और प्रथम दृष्टया गोपनीयता न बरतने पर कार्रवाई की गई है। अब सरकार का लक्ष्य 28 दिसंबर से पहले परीक्षा कराने का है। माना जा रहा है कि सरकार 26 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन कराएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।